ट्वेंटी थाउजेंड का अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है यानी कि आपको अगर बीस हजार की जरूरत है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उस कंडीशन में आपको कौन से ऐसे बेस्ट लोन अप्लीकेशन है जिनकी मदद मतलब से आपको ये लोन मिल जाएगा काफी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर हम एक स्टूडेंट है या फिर हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमें बीस हज़ार का लोन कैसे मिलेगा लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं लाइव अप्लाई करूंगा और लाइव आपको अपने अकाउंट में डिस्कस भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा कैसे आपको अपनी जो डिटेल है पर्सनल डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी तो इसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलाइकन कॉल पे सेट कर देना जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो बेस्ट स्टूडेंट लोन अप्लीकेशन दो के कौन कौन से है लाइव रिव्यू करने वाले हैं साथ में अप्लाई भी करेंगे इसके लिए इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना एंड दोस्तों अगर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अगर आपके पास में सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड ही है और या फिर स्टूडेंट आईडी है इसके अलावा आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ कोई भी सैली स्लिप नहीं है और आप एक स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको शायद हो सकता है नुकसान हो जाए लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो एंड इसके अंदर मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं वो आप ट्राई करो जिसमें आपको लोन मिल जाएगा तो अभी आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर हम लाइव रिव्यू करेंगे कि कैसे हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की ओर दोस्तों अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है पॉकेटली पर्सनल लोन अप्लीकेशन यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे अप्लीकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड कर करने के बाद में आपको इसमें लोन अप्लाई करना है उससे पहले इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कितना इसमें इंटरेस्ट लगेगा हमें और कितना प्रोसेसिंग फीस आपको इसमें कट के आएगा लोन में से वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है वो है पॉकेटली अबाउट सेक्शन जाने के बाद में यहां पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो यहां पे सेलिड और सेल्फ पेम्पलेट दोनों के लिए ये लोन है जो ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरीड इस पर्सन ही होना चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हो आप एक स्टूडेंट हो तब भी आप यहाँ पे बीस हज़ार का आराम से इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा इसके लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट अप्लीकेशन है वो है रिंग अप्लीकेशन फोर पॉइंट टू की इसकी रेटिंग है टेन मिलियन प्लस इसके डाउनलोड मतलब कि एक करोड़ से ज़्यादा लो, लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और इसमें से आराम से आपको बीस हज़ार का लोन मिल जाएगा अब कुछ इस तरह का एक इंटरफेस होगा इसमें पर्सनल डिटेल आएगी बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी फिर आपको केवा करना पड़ेगा केवाई के बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो एड करके आप इसमें लोन के लिए अप्लाई करोगे दस से पंद्रह मिनट के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उससे पहले इसका क्राइटेरिया अगर आप देखो तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाना है यहाँ पे आप इंटरेस्टन देख सकते हो उसका क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है क्या आपका इंडियन होना चाहिए इक्कीस साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आपकी इक्कीस साल एज है तो उसमें आपको बीस हज़ार का इंस्टेंट लोन इसमें मिल जाता है सिर्फ पाँच से दस मिनट के अंदर साइड में मैं आपको एक स्क्रीन शूट ऐड कर दूंगा वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाख पे आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा और कितना टाइम पीरियड आपको मिलेगा और कितने रुपए की ईमाई आएगी सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमें एक साल का सिर्फ सोलह हज़ार पे हमारा जो ब्याज है वो एक साल का लग रहा है एक लाख का अगर आपको लोन मिलता है तो फॉर एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको बता दिया है अब जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है जो सबसे लास्ट है वो इंस्टेंट पर्सनल लोन है एक जेपी का ओके यहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है वह वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो या जेपी मतलब इंस्टेंट पर्सनल लोन जेपी तो यहां पे आप करोगे तो इस कुछ, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है अगर आपके पास में आधार कार्ड पैन कार्ड है इसके अलावा आपके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो आराम से आप बीस हज़ार रुपये का यहाँ पे लोन ले सकते हो तो साइड में मैंने एक स्क्रीन शूट ऐड कर दिया है वहाँ पे आप देख सकते हो कि पचास हज़ार का अगर आपको लोन मिलता है एक साल के लिए तो उस पे 24 पर चौबीस परसेंट आपको इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर के हिसाब से साथ में बारह सौ पचास रुपये प्रोसेस फीस जी एस टी फीस आपको दो सौ पच्चीस रुपये लगेगी एंड टोटल आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है इसमें छः हज़ार सात सौ रुपये आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है मतलब कि एक साल के लोन पे ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है इनके मदद से आप ये लोन ले सकते हो गाई